तो क्या भाई आने वाले 5 सालों में 80 करोड़ लोगों की जॉब जाने वाली है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले कुछ सालों में 2030 से पहले पहले 80 करोड़ लोगों की जॉब जा सकती है। आई थिंक अगर आप लोग ट्रेंड में रह रहे हो तो ये अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि ये AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हो रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ डराने धमकाने वाला नहीं हूँ, मैं बस आपको बताने वाला हूँ कि ये AI है क्या, और ये जो AI लोग बोलते रहते हैं क्या ChatGPT, OpenAI यही सिर्फ AI है, या फिर AI का काम क्या है, और हम लोग अपने आप को कैसे अपडेट रख सकते हैं जिससे आने वाले टाइम में हमारी जॉब ना जाए बल्कि हम ज्यादा पैसे कमा पाए। पैसा ही पैसा होगा। तो देखो दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा मैं रिपोर्ट्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन 3-4 रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो कि कह रही हैं कि 2025-30 तक US की 38% जॉब जा सकती है, UK की जॉब जा सकती है, यानी सिर्फ इंडिया और छोटी कंट्रीज में ही नहीं बड़ी बड़ी कंट्रीज में भी जॉब्स जा सकती हैं। तो देखो सबसे पहले ये समझते हैं कि ऐसा क्या होने वाला है कि जॉब चली जाएगी। देखो भाई सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, मुझे एक रिसर्चर चाहिए, एक स्क्रिप्ट राइटर चाहिए, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट यानी एंकर मैं खुद चाहिए हूँगा, और उसके बाद जो है एक वीडियो एडिटर चाहिए मुझे। अब जैसे मान लो ChatGPT आ गया, वो क्या करता है, मैं कुछ भी टॉपिक डालता हूँ, व्हाट इज AI डालता हूँ, तो वो क्या करता है मुझे रिसर्च दे देता है। तो भाई जो मेरा स्क्रिप्ट राइटर रहेगा उसको एक रिसर्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी, या मैं उसको कम पैसे दूंगा। तो जॉब ऐसे ही जाती है, जब हम किसी भी काम को ऑटोमेशन पे डाल देते हैं तो उस काम में पर्सन की जरूरत नहीं पड़ती, किसी एक इंसान की जरूरत नहीं पड़ती है, उसी को हम बोलते हैं कि भाई जॉब चली गई। जैसे कि मान लो आप किसी कंपनी में कार में वो जो बोल्ट लगाया जाता है उसका काम करते हो आप, अभी वो कंपनी एक रोबोट ले आती है और वो जो बोर्ड लगाने वाला काम वो रोबोट करने लगता है, तो कंपनी को आपकी जरूरत नहीं रहेगी और वो आपको जॉब से निकाल देगी। तो आने वाले टाइम में क्या है कि अभी तो रोबोटिक्स का जमाना चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में रोबोटिक्स के साथ साथ ही और भी जगह इंप्रूवमेंट्स होने वाले हैं जो हमारे एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा इनहेंस करने वाले हैं, और हमारे जो काम करने के तरीके हैं, हमारी जो डेली लाइफ स्टाइल है उसको बहुत ज्यादा चेंज करने वाले हैं। अब देखो दोस्तों, आप लोगों ने वेब 2.0 3.0 के बारे में सुना होगा, तो देखो अभी हम लोग वेब 2.0 में हैं, आने वाले टाइम पे हम वेब 3.0 में एंटर करेंगे, और जिसकी वजह से काफी ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं। अब देखो दोस्तों, वेब 2.0 में क्या है कि अभी हम लोग जब बात करते हैं तो वीडियो कॉल पे बात करते हैं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो, लेकिन वेब 3.0 में क्या होगा, आपने मेटा का नाम सुना होगा, तो उससे क्या होगा कि आप लोग मुझे फील भी कर पाओगे। तो ये सारी चीजें जब आएंगी ना तो इससे काफी ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी स्किल्स जरूरी है जो सीखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बात आप हमेशा मेरी याद रखना कि रोबोटिक्स या AI चाहे जितना ऊपर चला जाए, चाहे जितना ज्यादा इंप्रूव हो जाए, वो कभी भी ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे नहीं जा सकता अनटिल अनलेस ह्यूमन भी अपने आप को अपग्रेड ना करता रहे। जैसे कि एक टाइम पे इंटरनेट आया था, लोगों ने कहा था वो भाई इंटरनेट सबको बर्बाद कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। देखो भाई आज के टाइम पे इंटरनेट लोगों को बर्बाद कर रहा है, सोशल मीडिया बर्बाद कर रहा है, उनको कर रहा है जो बर्बाद होना चाह रहे हैं। जैसे मैं हूँ, मैं सोशल मीडिया का यूज करता हूँ पैसे कमाने के लिए, आप लोग हैं, आप लोग यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस देख रहे हैं कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, लेकिन जो लोग फालतू में पतली कमरिया पे रील देख रहे हैं उनके लिए तो वो बर्बादी ही है। तो ऐसे जब हम लोग वेब 3.0 में एंटर करेंगे, AI के एरा में एंटर करेंगे, तो वहां पे जो लोग उसका यूज करेंगे वो उससे पैसे कमा सकते हैं, जो यूज नहीं करेंगे वो उससे पैसे नहीं कमाएंगे, इनफैक्ट उनकी जॉब जाएगी। देखो भाई पहले के टाइम पे क्या था, जब रोबोटिक्स आया था तो जो मजदूर लोग थे उनकी जॉब गई, मशीन्स आई, बैल का काम चला गया, ट्रैक्टर काम करने लगा, और भी काफी जगह वो काम होने लगे। अब क्या होगा, अब भाई जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि रिसर्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंटेंट क्रिएशन सेक्टर में आने वाले टाइम में स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी एक प्रूफ रीडर की, आपको जरूरत पड़ेगी एक आइडिएटर की, वो पर्सन जो स्टोरी का आइडिया दे सकता है, क्योंकि AI चाहे जितना आगे चला जाए वो कभी एक ह्यूमर वाली स्टोरी नहीं बना सकता, अगर वो स्टोरी बना भी देगा तो उसमें वो मजा नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए एक ऐसे पर्सन की जरूरत पड़ेगी जो आइडिएशन दे। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि स्क्रिप्ट राइटर बनो, कि स्टोरी राइटर बनो, तो आप लोग अपने क्रिएटिव माइंड पे काम करो, ना कि लिखने पे, या फिर कितना ज्यादा आप लिख सकते हो, आप कितना ज्यादा रिसर्च डाल सकते हो, आप बस क्रिएटिविटी बनाओ, स्टोरी टेलिंग पे अपने काम करो, बाकी सारा काम AI कर देगा। हम बात करें वीडियो एडिटर की या ग्राफिक डिजाइनर की, जो काम फोटोशॉप और प्रीमियर प्रो से 4 घंटे में होता था, AI उसको आधे घंटे में कर देता है। तो यहाँ पे क्या जरूरत है, एक QC की, क्वालिटी चेकर की। आपको क्या करना होगा, फोकस करना होगा अपने क्वालिटी चेकिंग पे, आप AI पे जाओ और आधे घंटे में काम कर लो, इसके बाद उस पर क्वालिटी चेक करो, और उसके बाद उसको थोड़ा बहुत इंप्रूव करके आप अपने क्लाइंट को दे दो और उससे पैसे कमा सकते हो। जो काम आप 4 घंटे में करते थे वो काम आपका आधे घंटे में हो जाएगा। ऐसे ही और भी ज्यादा सेक्टर्स हैं। अब देखो भाई आप एक बात बहुत ध्यान से समझो, अगर फैक्ट्री में
वर्कर्स की कमी आई किसके वजह से, रोबोट्स की वजह से। लेकिन रोबोटिक्स की जो फैक्ट्री थी उसमें वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी। ठीक, एआई जो है, एआई आ रहा है कंटेंट क्रिएशन सेक्टर को खा रहा है या फिर और भी सेक्टर्स को खा रहा है, लेकिन भाई एआई को बनाने की जो कंपनीज हैं उसमें तो बंदों की जरूरत है ना। तो इसीलिए आज के टाइम पे आईटी इंडस्ट्री की बहुत सारा डिमांड है। तो इसीलिए मेरा सजेशन ये है भाई कि आप लोग चाहे जो भी करते हो, आप लोग बिजनेस करते हो, आप लोग कंटेंट क्रिएशन करते हो, आप लोग कुछ भी करते हो, लेकिन कोई ना कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर यू कहें कि आपको इंटरनेट का प्रॉपर तरीके से यूज करना आना चाहिए। आप लोगों को अगर हो सके तो कोई ना कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए, पाइथन हो गया, सीएसएस हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गई, कोई ना कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए जिसके थ्रू आप लोग थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कोड कर पाओ। और एआई के टाइम पे यार आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब एआई आएगा और आप जब उसमें और ज़्यादा हम लोग इंटर करेंगे ऐसे 3-4 साल बाद, तो हम लोगों के पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स होंगे कि उनके अंदर जाके हम लोग कोड करेंगे और उसके हिसाब से वो हमको रिजल्ट देंगे। तो इसीलिए आप लोग चाहे जिस इंडस्ट्री में हो, आप लोगों को आईटी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट लेने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप लोग अभी इस टाइम पे 15 साल से नीचे हो, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि भाई अगर आप लोग जॉब के बारे में सोचना आने वाले टाइम पे, तो ऐसी जॉब्स के बारे में सोचो जो आज के टाइम पे नहीं है लेकिन आज से 10 साल बाद होगी। लाइक मशीन लर्निंग हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, आप कंटेंट क्रिएशन में भी हो, देखो सेक्टर कहीं नहीं जाने वाले, बस उसमें चेंजेस आएंगे। तो आप लोग हमेशा अगर अपने आप को क्रिएटिव रखोगे और आइडिया ज़्यादा सोचोगे तो आप लोग हर जगह सर्वाइव कर पाओगे चाहे जो इंडस्ट्री हो। लेकिन अगर आप लोग रोबोट की तरह काम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको रिप्लेस करके रोबोट को ला के रख देंगे। देखो भाई ये याद रखना कि एक रोबोट ही दूसरे रोबोट को रिप्लेस कर सकता है, किसी इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो अगर किसी भी इंडस्ट्री में आपको काम करना है तो एक रोबोट की तरह नहीं काम करना है, एक इंसान की तरह काम करना है, एक ऐसे पर्सन की तरह काम करना है जिसके पास अच्छा खासा दिमाग रहे। तो आई होप ये जो सोशल मीडिया पे डराया जा रहा है कि एआई आएगा लोगों की जॉब्स खत्म कर देगा, लोग कुछ समझ ही नहीं पाएंगे क्या है, तो आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है आने वाले टाइम में। बस हमारा काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा और हम लोगों को बस उस चीज पे काम करने की जरूरत है अभी से, जिससे उस टाइम पे हम लोग प्रॉपर अपडेटेड रहे। वैसे आप लोग मुझे ये बताना कि क्या आप लोग भी एआई का यूज करते हो अपने किसी न किसी काम के लिए। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना।